फ्रेंड्स, आप अगर कोई ऑनलाइन क्लास या फिर मीटिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कोई इंडियन ऐप ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम लोग एक इंडियन ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप है, मीटिंग ऐप है, जिसका नाम है जियो मीट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है प्रसेंजीत और आप देख रहे हैं प्रसेन हिंदी टेक। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जियो मीट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो कि प्ले स्टोर ऐप में आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मोबाइल से प्ले स्टोर ऐप को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए जियो मीट। सर्च करने के बाद सबसे पहले जो एप्लीकेशन आएगा वो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम भी इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद अपने मोबाइल से एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल भी हो चुका है। अब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ओपन बटन में क्लिक करके। ओपन करने के बाद जो जियो मीट का एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस ओपन होगा और हम लोग इंटरफेस में बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन में से हम लोग के यहाँ से चूज करना होगा ज्वाइन ए मीटिंग, कोई भी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, या फिर और भी हम लोग ऑप्शन मिलता है साइन अप, साइन इन। हम लोग अगर कुछ मीटिंग खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो साइन अप करना होगा। तो सबसे पहले ज्वाइन ए मीटिंग में क्लिक करेंगे कोई भी मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए। यहाँ पर जो पेज ओपन हुआ, यहाँ पर मीटिंग आईडी देना होगा। मीटिंग आईडी देने के बाद नीचे जो ऑप्शन मिलता है ज्वाइन मीटिंग, इसमें क्लिक करना होगा कोई भी मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए। उसके बाद नीचे हम लोग को ऑप्शन मिलता है डोंट कनेक्ट टू ऑडियो, अगर ऑडियो कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं तो इसमें टिक करेंगे। नीचे हम लोग को और एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है टर्न ऑफ माई वीडियो, अगर हम लोग का वीडियो ऑफ करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग टिक मार्क करेंगे, मतलब ये ऑप्शन को हम लोग ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब देख लेने के बाद अगर हम लोग कुछ भी मीटिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को साइन अप करना होगा। तो चलिए साइन अप करते हैं साइन अप बटन में क्लिक करके। तो चलिए फ्रेंड्स, साइन अप बटन में क्लिक करते हैं। साइन अप बटन में क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन हुआ है जहाँ पर सबसे पहले हम लोग का इंटर ईमेल या फिर मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद हम लोग का फर्स्ट नेम देना होगा, लास्ट नेम देना होगा और जो टर्म एंड कंडीशन है इसमें एग्री में क्लिक करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सब कुछ टाइप हो चुका है और उसके बाद टाइप हो जाने के बाद राइट साइड में ऊपर देखिए नेक्स्ट बटन मिलेगा, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इस बटन में क्लिक करने के बाद हम लोग जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी देंगे उसमें एक तो ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को हम लोग को यहाँ पर टाइप करना होगा और फिर से राइट साइड में जो ऊपर नेक्स्ट बटन है उसमें क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। उसमें क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन हुआ जहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ अलाउ करना होगा। ये सब कुछ अलाउ करने के बाद जो मेन पेज आया है, इस मेन पेज में हम लोग का बहुत सारा ऑप्शन मिलता है जो कि हम लोग का बहुत सारा काम का ऑप्शन है। तो चलिए एक एक करके ये सब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो ऑप्शन आता है न्यू मीटिंग, इस न्यू मीटिंग को हम लोग क्लिक करके कोई भी न्यू मीटिंग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है ज्वाइन, इस ज्वाइन बटन में क्लिक करके हम लोग कोई भी मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल, आप इस शेड्यूल बटन में हम लोग क्लिक करके कोई भी मीटिंग का शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का शेयर स्क्रीन, अगर हम लोग कोई भी मीटिंग करते हैं क्रिएट करते हैं उसके बाद हम लोग का जो मोबाइल स्क्रीन है उसको अगर शेयर करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन में हम लोग क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हम लोग को मीटिंग, मीटिंग में क्लिक करने के बाद हम लोग का जो पर्सनल मीटिंग आईडी होगा वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट भी कर सकते हैं मीटिंग को, सेंड इनविटेशन, यहाँ से हम लोग जो मीटिंग आईडी है हम लोग को सेंड भी कर सकते हैं और किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडिट, इसमें हम लोग क्लिक करके कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ये सब कुछ देख लेने के बाद हम लोग के पास नीचे देखिए ऑप्शन मिलता है कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम लोग का और भी बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, कॉन्टेक्ट मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्टेक्ट बटन में क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ ऑप्शन मिलता है स्टार्टेड, फोन कॉन्टेक्ट्स, एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स। यहाँ पर हम लोग का अगर किसी को हम लोग ये एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं या फिर हम लोग के कॉन्टेक्ट में से कौन कौन इस एप्लीकेशन को यूज़ करता है, ये सब कुछ यहाँ से शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रुप्स, या अगर कोई भी हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं या फिर ऐड करते हैं किसी को तो यहाँ पर हम लोग का सब ग्रुप या फिर जो भी ज्वाइन किया होगा यहाँ पर हम लोग को शो होगा।
तो ये सब देख लेने के बाद हम लोग को और एक तो न्यू ऑप्शन मिलता है। नीचे ऑप्शन में जाएंगे सेटिंग। सेटिंग में हम लोग का पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगा, हम लोग का नाम, मोबाइल नंबर दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन मिलता है मीटिंग। इस मीटिंग ऑप्शन में हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मीटिंग बटन में बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है। सबसे पहले जो ऑप्शन है, ऑलवेज म्यूट माय माइक्रोफोन। अगर हम लोग का कोई भी मीटिंग क्रिएट करते हैं उसका माइक्रोफोन अगर म्यूट करना चाहते हैं तो उसको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आता है ऑलवेज टर्न ऑफ माय वीडियो। वीडियो को ऑफ करने के लिए इसमें क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आता है ऑलवेज शो वीडियो प्रीव्यू। अगर वीडियो का प्रीव्यू ऑलवेज शो करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आता है शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट ज्वाइन। अगर कोई भी न्यू पार्टिसिपेंट ज्वाइन करता है उसका नाम अगर शो करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑटो कॉफी मीटिंग लिंक। अगर मीटिंग का लिंक ऑटो कॉफी करना चाहते हैं तो उसमें क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ देख लेने के बाद हम लोग न्यू मीटिंग क्रिएट करेंगे। तो न्यू मीटिंग ऑप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हम लोग को दो ऑप्शन मिलता है, वीडियो ऑन। अगर वीडियो ऑन करना चाहते हैं इसमें क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आता है पर्सनल मीटिंग आईडी, या अगर पर्सनल मीटिंग आईडी शो करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट ए मीटिंग में हम लोग क्लिक करेंगे कोई भी न्यू मीटिंग क्रिएट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट ए मीटिंग में क्लिक करते हैं और जो अलाउ आता है उसमें हम लोग सब कुछ अलाउ करते जाएंगे। अलाउ हो जाने के बाद हम लोग का जो मीटिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो मीटिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलता है वॉल्यूम। स्पीकर का आपका मार्क दिखाई देगा, उसमें आप वॉल्यूम कम बेसी कर सकते हैं। उसके ठीक राइट साइड में देखिए कैमरा आइकन मिलता है, जो कि हम लोग फ्रंट या फिर रियर कैमरा को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का मीटिंग आईडी और पासवर्ड, यहाँ पर शो करेगा। ये सब कुछ देख लेने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एंड। एंड बटन में क्लिक करने के बाद हम लोग का जो मीटिंग है यहाँ से एंड भी कर सकते हैं या फिर मीटिंग से लीव भी हो सकते हैं। उसके बाद ठीक नीचे आइए, जहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले ऑप्शन में म्यूट, यहाँ से हम लोग अपना वॉयस को म्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉप वीडियो, यहाँ से हम लोग अपना वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शेयर, इस शेयर बटन में क्लिक करने के बाद हम लोग का जो स्क्रीन है वो शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेंट, यहाँ पर हम लोग का पार्टिसिपेंट शो होगा। नेक्स्ट आता है मोर, मोर बटन में देखिए मीटिंग सेटिंग में ऑप्शन मिलता है। इस मीटिंग सेटिंग में हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। यहाँ से ऑप्शन में से लॉक मीटिंग, मीटिंग टॉपिक, ये सब कुछ ऑप्शन मिलता है। म्यूट ऑन एंट्री, ये सब भी ऑप्शन मिलता है। शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट ज्वाइन, अगर कोई ज्वाइन करता है न्यू तो उसका नाम भी शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ देख लेने के बाद हम लोग का जो एंड है ऊपर राइट साइड, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग लीव मीटिंग भी कर सकते हैं या फिर एंड मीटिंग फॉर एवरीवन, एवरीवन के लिए मीटिंग क्लोज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।